और आप बार बार नु पूछो थे कि आपकी शादी ना कैसा हो गई, शादी ना कैसा हो गई, हमारी शादी ना कब मनाया, मैं इस वीडियो लाइन में आई, मतलब क्या कुछ है लाइफ का, मैं सारा बताऊंगी। भी बताना चाहूंगी, जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ या नॉर्मल डिलीवरी होना, इसने इतना भी नॉर्मल ना लिया करो कि जो मैं नॉर्मल है। राम राम जी, सब नया सारा, सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करूँ तुम सारे ठीक हो गए, ना हो गए तुम्हारा ब्लॉग देख कर हो जियो। आज मैं ठीक हो नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रात ने भी मेरा पेट दुखा था, मैंने दवाई ले थी अच्छी तरह, मेरा आराम नहीं होया, और फिर नु सवेरे का दर्द हो रहा है। तो एक बार हॉस्पिटल में जाऊँगी, चेक करवा के आऊँगी क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या था, वहाँ कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो ना हो रहा हो। जब तो मैं एक बार चेक करवा लागे टेस्ट, उस बोलेगी डॉक्टर तो वो करवाने पड़ेंगे। मैं भाई तो सोन लग रहा है, उसके भी चेंज करूँगी कपड़े और अपने भी चेंज करूँगी, देख लूँगी क्यों कभी पेट में इन्फेक्शन ना हो रहा हो, अजीब सा हुआ दर्द। कोई नहीं, चल देखेंगे, खर्चे तो मैं चलते रहूँगे। एक बार जावे हैं डॉक्टर का, आज एक बार सब्जी चीरन लाग रहा है, सब्जी तो आकर छोंकूंगी मैं एक बार कपड़े चेंज कर लूँ अपने भाई के, और फिर जावे एक बार हम हॉस्पिटल भाई के, इसका धूप लगवाने या बैठा हो रहा है। वंशु भी अली मारी गई, तेरा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये उठ गया, गुड मॉर्निंग करो। मोले आए आए मोले, मौसी मारता है साफ, इंस्ट्रक्शन दे गई है सुबह इसका 10 मिनट लाल सूरज वाली धूप लगवानी, तभी ये धूप ले गया। किसा लग रहा भाई तेन धूप लेने दे? तो मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने, क्योंकि भाई के बहुत सारे हो जाए आटा मन जाना धोने नहीं आते, तो अपना मशीन ला ली है। तो मौसी की कह ली खुद ही करना पड़ रहा है, मौसी उठ कर तड़की दूसरे दिन धो दे करती, तो मैंने लाए नहीं। एक दौर भी बर्तन वगैरह भी करें तो एक दौर काम करो मिल जाएगा। लंच के लिए ये लंच रेडी कर दिया, उसकी मैगी बनाई है स्कूल खतर, और हम अपने खतर चाय बनावा, अभी चाय पियाएंगे। और देखिए बिस्कुट ले लें पूजा, तो चाय के लिए बिस्कुट दे देंगे, थोड़ा दूध थोड़ी देर में देंगे पूजा। तो देखो अजय झाड़ू काटने लग रहा है और मैं बैठ कर देखने लग रही हूँ। करो काम करो, लड़ पड़ेगा ना तो देख लो कितना काम करे। करो करो सफाई से काट दो झाड़ू। ये देखो जी मौली तैयार होगी। मौलवी, ओए मौली किस जावे, किस जाओगी आज तू? मम्मी के लिए जाओगी है? आए आए हेलो कर दे, हेलो 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 मौली। चल पड़े हॉस्पिटल के लिए, ये पूजा देवी, ये मेरी मौली। भाई तो सुन लग रहा है, ये हॉस्पिटल जान लग रहे हैं। ये सूट तो मैंने पहला दूसरा सूट पह रहा, वो जमा चुभन सी लग गया, फिर वो काट दिया, फिर यो सूट पा, यो सूट था मतलब यो कॉटन का है, यो पह रहा, इसकी चुनी नहीं पाई क्योंकि अलमारी में घना सामान खिंड रहा है, क्योंकि यार आधे कपड़े का प्रेस को नहीं होनी, फिर यो स्टॉल था यो इसके ऊपर उड़ करने फिर आ गई। इतना भाई तैयार करा, दर्द ठीक है भी हो रहा? बस थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। कौन चले डॉक्टर दिखाया? मैं पूजा अंदर हॉस्पिटल में जा लिया, मेहर भाई और गाड़ी में बैठे हैं ना, अंदर जाते तो वो दुखी हो जाए क्योंकि एक जने ने भाई पकड़ना, तो जो तुम गाड़ी में लेगा बैठ के भाई ने सोन लग रहे, बस उठना जाओ क्यों उठते, फिर ये दूध मांगा भाई रोन लग गया। मौली ना रो बेटी, ये भी आ जाएगी मम्मी, अभी तक फोन करे अभी 5 मिनट में आओगी इसकी मम्मी, तो भाई फोन करे अपने बहुत ही 2-5 मिनट में आओ, बस ये रोन टाइम इन्हें दूध चाहिए। आवे बेटी बस बस मेरी बेटी आ गई आ गई। पूजा आने लग रही है, ये मौली मने जीन नहीं दे रहा। मौली बेटी बा आ गई देख तेरी मम्मी आ गई, देखिए आ गई, ये आ गई तेरी मम्मी। भाई ये पापड़ वाला मिल गया उदे नाला तो जिसके फैक्ट्री लगवा थे, ये माँ बेटा पीछे बैठे हैं। एक तो क्या रहा क्या राम का गुड़ आया क्या, इतना उड़सी का आया था कुछ था वो पता नहीं क्या था, एकदम आया था है? थोड़ी डालियो हॉस्पिटल तो आ लियो आके ना बैठी थी, ये आलू मटर की सब्जी चौकी है और वंश भी आ लिया, वंश ना का चेंज कराया है, पेट में मेरे दर्द हो रहा था तो मैंने डॉक्टर ने तो बताया उन्होंने दिक्कत है, तो फिर उसने दवाई दी एक तो लगाने के लिए और साथ में खाने की भी 3 दिन की दवाई दी है, 3 दिन के बाद फिर एक बार चेक कराना है, पहले भी 3 दिन की दवाई ले आई थी मैं,
वैसे हल्का सा तो राम है पर इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा कुछ परसेंट राम है। तो कई दिन यही दवाई यूज़ करनी है तो फिर मेरा राम हो जाएगा। देखते हैं क्या रहती है क्या नहीं। फिर मैं रोटी खाऊंगी और वंशु भी रोटी खाओगी, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। भाई तो सो गया है, मैंने इतनी थकावट लग रही बहुत ज़्यादा, जिस तरह कुछ है नहीं शरीर में, इतनी जान सी है कौन। थोड़ी सी दूर बस हॉस्पिटल में गए थे, वो बिगाड़ दी मैं, जब भी मैंने थकावट हो रही वहाँ का मैंने चेंज कर लिया और इतनी थकावट हो रही। जो मैंने चौक की थी सब्जी, सब्जी बन गई है और देखो था दिखाऊँ तो हमने ऐसे क्या करना लग रहा है। देखो अजय बनावा है रोटी, कैसा लग रहा है सर आपको रोटी बनाते हुए? मौसी ने याद कर रहा है रोटी बनांदा बनांदा। देख लो मैंने इस तरह रोटी बनानी सिखाई थी, काम आ रही है। और तेरा चक्कू भी पकड़ना हुआ था एक लाओ एक ले ई भी सीखिया चक्कू पकड़ना, माचिस तो ये भी पकड़े नहीं आई ढंग था, ये भी उल्टी माचिस आपा तो नू जलावा ये नू उल्टी करके जलाया करे। मैंने नू सीखी हुई है सब काम, मैंने सिखाया करता है। माचिस क्यों सीखाई? सीखी है नहीं तेरा माचिस तो, माचिस बाबत भी मैंने बहुत बार बोला इस तरह ये सीखता ही नहीं, मैं क्या करूँ, बस सीखा है मुझे क्या। आज बनाएगा मेरे लिए पतली पतली रोटी और मैं खाऊंगी रोटी खा लूँ दूध तो ही और तुम भी खा लो पति देव के हाथ का खाना। शाम का टाइम हो गया जी तो मैं पूजे के लिए चाय पत्ती ही सीधे हूँ, थोड़ी सुंदर को जी भूख लग रही है तो चाय पत्ती थोड़ा ना बिस्कुट या उसके साथ ब्रेड दे दूंगा और उसके बाद हम भी अपनी थोड़ी चाय बना देंगे, हम थोड़ी पानी मिला के बनाऊंगे। हम अपनी चाय पूजा देवी बैठी है पर के है सिर जुड़े किसी बैठी है तो सिर दुख है तेरा तो सारे जने सिर देखा है, सिर दुख है मेरा। एक बेबे का कमेंट आ रहा था, अब पूछना चाह रही थी कि भाई जैसे उसकी डिलीवरी ने एक महीना हो गया और 7 दिन हो गए, मैं कह रही थी भाई मेरे पे ना तो ढंग तक खड़ा हुआ जा रहा और उसको शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे तक पूछा थी दीदी के करूँ मैं के ना करूँ, और कहती शायद डॉक्टर ने कह रहे भी जख्म हो रहे उसके शरीर में। तो फिर मैं खुद उससे यही बताना चाहूँगी जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये नॉर्मल डिलीवरी होना, इसने इतना भी नॉर्मल ना लिया करो कि जमा ये नॉर्मल है, अपने शरीर का विशेष रूप से अपना ध्यान रखा करो, एक तो टांके ठीक हो जाओ उसके बाद भी अपना जो दवाई देवा डॉक्टर वो यूज़ करते रहा करो, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत डर हुआ है, मेरे खुद इतनी कमजोरी हो रही है मैंने, और मेरे कल पेट में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर मैंने डॉक्टर पर चेक करवाया तो खुद मेरा इन्फेक्शन हो रहा है हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि कई बार स्टिचेज ना थोड़े से खुल जावे है, आप तो सोचा ठीक हो गए हैं लेकिन हल्का फुल्का खुल जावे है, जिकर खरौसी नहीं लग जा कर है नोसी हो जावे फिर वो और वो इन्फेक्शन बन जावे, आपने लगा हूँ स्टिचेज का दर्द हो रहा है तो एक दो बार आपने अपने डॉक्टर पर चेक करा लेना चाहिए ताकि स्टिचेज तो हो जाए पर वो स्टिचेज तो पहले खुल जाए स्किन होगा नहीं अच्छे तरह चिपको नहीं बांधी वो जो हाँ वो स्किन से जुड़ कौन बांधी ना इस कर ने तो फिर एक बार चेक करा लेना चाहिए। मैंने मेरे साथ भी ऐसा ही होया है तो थोड़ी सी मेरा भी प्रॉब्लम हो रही है शरीर में, तो मैंने दवाई लेकर आई हूँ, मेरे तो बीटाडीन लिक्विड दिया है और एक जेल दिया लगाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन था मेरा, तो मैंने दूसरे दिन ऐसे मार लिया तो इतनी ज़्यादा दिक्कत को नहीं आई, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है ज़्यादा होने तो पहले ही मैंने संभाल लिया। अगर थारे साथ भी डिलीवरी हुआ है तो थम भी नूमा सोचा करो कि मतलब के बोला कर उसने नूमा सोचा करो कि भाई स्टेज ठीक हो गए तो बस हो गया राम, तो 10-15 दिन जो दवाई देवा ना एक बार वो डॉक्टर पर चेक करा के उसने 10-15 दिन और यूज़ कर लिया करो, क्योंकि मैं एक दवाई खुद यूज़ करी थी फिर भी मेरा हल्के से दिक्कत होगी, मतलब है तो नम मात्र सी ये पर होनी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मैंने इसकी 3-4 दिन 5 दिन दवाई खानी पड़ेंगी और दवाई इस टाइम मेरे पर खाई नहीं जा रही, जमा कड़वा मुँह होगा कसूती डाला और जमा नूह होगा जो उल्टी पड़ेगी, ऊपर तो मैं गर्म पानी पीऊँ हूँ आप भी है ना, जैसे मैंने अपनी के मिल्टन की है थर्मोस मेरी या मैंने थर्मोस मंगवा रहा कि इसमें मैं पानी भर करा खून आया मतलब थोड़ा स्नो आया तो थोड़ा वैसा थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म पानी वो मैं दिन में बहुत बार पीऊँ हूँ, इतना इतना सा पीना चाहिए। किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना कई तो टांके भी दोबारा लगवाने पड़ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो बैठने का थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी टांग थोड़ी सी
थोड़ी सी जुगर टांग पर टांग रखा नहीं बैठा करा नो बैठना चाहिए पाल योगे पलौथी मार कर नहीं बैठना चाहिए कभी भी, या फिर ज़्यादा चौड़े पैर करका, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में टांके की वजह से दर्द भी हुआ, बैठने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, या बच्चे ने दूध सोचा तो आप बैठ कर पिया है, मैं भी जुगर बैठ कर पियाँ थी, कोशिश करो थोड़ा बहुत लेट कर पिया लो, बैठ कर पियाओ तो जिस तरह मैं बैठ के सारा लग कर बैठ कर पियाँ थी, पैर पर पैर रख कर ताकि आराम रहे। वैसे मेरे टांके 8-9 दिन में ठीक हुए हैं, थारी भी क्या दिन में ठीक हुए मैंने तो पता नहीं, पर मैं ये पानी ना कम से कम 4-5 गिलास में होती, लेकिन आज डॉक्टर ने बोले कि कम से कम एक दिन में 10 गिलास नवाए पानी के हल्के हल्के गर्म पानी के पीने चाहिए, उससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और आपका पेट भी नहीं बढ़ा है। इतना इतना सा पानी, मतलब एक छोटा कप नहीं हुआ चाह का, वो पानी कम से कम दिन में 10 बार पियो, उससे सही रहेगा। उन का जन जाप में पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी तो आपका पेट भी फुला होगा, वो भी करेगा। मेरा इतना ज़्यादा पेट को नहीं है, थोड़ा बहुत है, और यो भी मैं गर्म पानी पीऊँ ना इससे बल्कि थोड़ा हल्का हुआ है, पेट बढ़ता को नहीं। आपने सोचा ना भी गर्म पानी वो पानी पीनता जापे में वो हुआ है, और कुछ मेरे में तो पानी की भी कमी हो रही है, ब्लड की भी कमी हो रही है उसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। तो मैं तो आपने कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, कम से कम 30 दिन तो जमा ज़रूर रखो, उसके बाद भी रख पाओ तो और अच्छी बात है, और एकदम ज़्यादा जोर का कोई भी काम को मत करो, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेज हैं। ठीक आ रही है भाई ने मौसम भी आजकल थोड़ा चेंज हुआ, तबीयत खराब होने का हो रहा है। है एक के बाद बोलू थी मैं एक ही, हाँ एक जिस तरह जैसे छोटा है बच्चा है भाई, तो उसका तकिया लगाना चाहिए ना लगाना चाहिए, और इसका सिर गोल किस तरह होगा। वैसे तो इसका सिर ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा और गोल कब है कि भाई कोई कब है कोई कुछ लगाना चाहिए, कोई कब है कुछ लगाना चाहिए। और हाँ सारे जिन लोगों ने लाइक करियो, शेयर करियो, जो भी नए आए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लियो, और जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ घने दिन तक बाढ़ देखने लग रहे हम। और आप बार बार न पूछो थे कि आपकी शादी ने कै साल हो गए, शादी ने कै साल हो गए, हमारी शादी ने वैसे तो कई साल हो गए, बाकी मैंने आप सारा तय बताई थी कि मैं अपनी लाइफ की डिटेल चढ़नी है, जो एक अलग वीडियो बनाऊँगी उसकी, एक बार मैं चापे में तो उठ लूँ और बिल्कुल थोड़ी ठीक हो जाऊँ, माइंड बिल्कुल सेट हो जावे, फिर उसके बाद सारी डिटेल एक वीडियो दो वीडियो जो भी बनेंगी मैं बिल्कुल डिटेल तय अपनी जर्नी बताऊँगी, किस तरह के कब मेरी शादी हुई, कब मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट करा, कब फेसबुक का स्टार्ट करा, कब मैं इस वीडियो लाइन में आई, मतलब क्या कुछ है लाइफ का मैं सारा बताऊँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। बस यही रिक्वेस्ट है कि सारे जने सपोर्ट करते रहा करो, सारे जने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो, और इंस्टाग्राम पे भी जाकर सारे जने फॉलो कर लो, पूजा खटखट के नाम तक आईडी है, और अभी जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करा दो, अपने 9 लाख के भी ऊपर फॉलोअर हो रहे हैं, और तो जल्दी जल्दी करा दो और अपने 1 लाख करा दो। राम राम।